सेहत ठीक हुंदी तां उठ देना। अच्छा, सवेर दा ही नहीं उठया? नहीं, सवेरे तां उठे सी, फिर पता नहीं कित्थे चले गए, किसे नूं कुछ दस्या भी नहीं, पर जदों दे आए ने अपने कमरे विच लम्मे ही पए ने, ना ही उठे ते ना ही कुछ खादा पीता। मैं अनन्या नूं भी पुछया सी पर उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिता, चुप चाप चली गई। बहू जी, उनकी हाल है थोड़ा? अब मेरा हाल तो ठीक है, पर आज तेरे पल्ले एक होर नवा मरीज पैना है। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਸਾਂਭ ਲਵੇਂਗੀ ਨਾ? ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ ਕੌਣ ਬਾਊ ਜੀ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੋਹਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ। ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਾ। अजे तलाक थोड़ी होया, वो गल कर ले अपने सहुरे नाल, वो कुछ खान नू मना ले उनू। वाह बाऊ जी, तुसी पता नहीं की समझदे हो मैनू। चल फिर, जिने जोगी मैं तेनू समझदा वा, अज तू अपने आप नू उन्हें जोगी साबित कर दे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। चंगा बाऊ जी, हुण मैं चलदी हां। ब्रीथ, बलदेव ने नहीं ना चज नाल गल कीती तेरे नाल? मेरा भी हौसला नहीं पिया उन्हां दे सामने जाण दा। चंगा बाऊ जी, मैं पहला अपने रूला स्वीट जाना है, उस तो बाद अपनी दुकान ते। मैं चलदी हां। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ? कदे नहीं हो सकता। जदों दा उहदे प्यो ने धोखा दिता, किसे ते विश्वास ही नहीं हो सकिया।
पर इहदा मतलब इह तां नहीं ना कि उह मेरे पापा जी दा कतल कर उह मेरे सहुरे साहब ने प्यो ते धी दा रिश्ता है साढ़े दोवां दा मैं इदां दा किवें सोच सकदी उहनां दे बारे नाले उदां वी उदां दीआं कड़ियां तां जयवीर चाचा जी ते रणवीर ने भी तां पाई हुई है हो सकता है ना कि बाजार विच ऐदां दी होर कड़ियां किसी होर ने खरीद ली होवे तुसी दोवां ने की गल करनी है एडवांस कोर्स इन बिजनेस पाजी कन्फर्म्ड ओ की बोली है ना सीधा सीधा बोल बारों पता करवा लिया मैं जयवीर नरूला बिजनेस का एडवांस कोर्स करन गया है ते पीछे बचे दो बंदे इंदर ते बलदेव ते इंदर वाली कड़ी तो रणवीर को फिर तो शक की सूई सीधा बलदेव से ही डिगती है ते अजो जिहड़ा दूजा बंदा साढ़े हथों निकल गया ना ते वो पक्का बलदेव का ही बंदा सी नहीं तो उदा की कड़ी उहदे कोल किद्दां आणी सी तुसी दोवें आपस विच ब्याह कराना चाहते हो हाँ जी साड़ियां बहुत सारिया आदत एक जी ने ते फिर मैं रहना भी इत्थे चाहुंदा इंडिया दे विच ते ए भी अपने घर दे नेड़े रहना चाहती है बस तुसी एक बार साढ़े दोहां दी गल एक बार करे कर लो पर तुहानूं दोनों नूं पता है ना कि अजकल घर दा माहौल किहो जिहा पता है ते ए भी पता है कि पहला मेरी मंगनी पलक नाल हुई सी ते वो रिश्ता उन्हें खुद तोड़िया है मैं नहीं थोड़े ते रणवीर भाजी दे तलाक दी भी गल चल रही है तो इसलिए सानू थोड़ी मदद चाहिए है पर इस हालत विच मैं थोड़े दोनों दी की मदद कर सकती हूं जरा समझने की कोशिश करो मेरे मम्मी पापा ते नरूला स्वीट्स वाले दे परिवार दा नाम भी नहीं लेना चाहते ते मैं भी उन्होंने कोई भी गल नहीं कर सकता इस बारे हाँ जी रीत भाभी मैं भी इस बारे करे कोई गल नहीं कर सकती ते पापा जी नाल गल करन दा तो कोई फायदा ही नहीं है अजकल वैसे भी उन्हां दा मूड ठीक जा नहीं रहिंदा कोई नहीं मैं देखती हाँ मैं की कर सकती हाँ चंगा रीत जी सत श्री अकाल असी चलते हाँ मैं इन्हां नूं कह ता दित्ता पर मैं की करांगी इन्हां दोनों लई पन मॉडल मैनी वाचस भाजी इक्को तरह दियां जिन्नियां मर्जी घड़ियां लै लो बाजार चों ओ पर इदां दे लिमिटेड एडिशन ही हुंदे आ इह एडा आम ने कि जिहड़ा हर कोई इहनूं कुट ते बन्नी फिरे नाले इदां दियां घड़ियां गिणतियां दियां बणदियां ने नाले गोल्डी इह घड़ी ओह घड़ी है जड़ी रीत दे पापा दे कतल दा रिश्ता नरूला स्वीट्स वालियां दे परिवार नाल जुड़ा है हुण बस सानू यह पता करना पैना है कि किसी ने कोई वादू घड़ी तो नहीं खरीदी सी कोई इहदे नाल दी
इंपोसीबल भाजी इंपोसीबल। ऐदा किदा पता लगूगा? जिदा भी लगे गोल्डी पता तो करना ही पैना। अगली बारी असी हथों नहीं जान देना। रीत दा फोन। हेलो हेलो बॉबी, मैं तेरे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी सी। हाँ जी हाँ जी, जो मर्जी दसो की होया। देख बॉबी, मैनू पता है जदों मेरे सहुरे साहब नू पापा जी उत्ते शक होया सी ना, तां उन्हां ना उत्ते ना बहुत गुस्सा आया सी। अच्छा तेनू की लगता है उन्हां दोनों दे विच लड़ाई भी हुई होगी? हाँ रीत, हुई सी लड़ाई दोनों दी। ऑफिस दे कल्ले कल्ले बंदे नू वो लड़ाई याद है। सगो तेरे सहुरे ने उन्हां नू धमकी भी दित्ती सी कि जीण नहीं देना। मैनू तां बस इन्ना ही पता है। बाकी अचानक तू ये सब क्यों पूछ रही है? किते तेनू कोई सबूत तो नहीं लग गया अपने सहुरे खिलाफ? नहीं नहीं, बस ओदा ही मेरे दिमाग में चल रही सी। चंगा मैं तेरे नाल बाद विच कर दियांगा। चल ठीक है। ओ बल्ले गोल्डी, गल बणी गई। व्हाट हैपन पाजी, की होया? होया तो पता नहीं की है, पर रीत नूं उहदे सहुरे ते शक हो गया। ते ए गल मेरे लिए बड़े फायदे वाली गल है। हुण रीत दे सहुरे उहदे दिलों लै जाणगे। बस हुण आपां उहदा ए शक होर पक्का करना है। तू मेरी गल सुन। हेलो हेलो रणबीर जी, थोड़ी देर लिए बाहर आ सकते हो? तुसी थोड़े नाल एक बहुत जरूरी गल करनी है। मैं हाँ ठीक है, मैं आना। क्यों है, कितने चलना? वो रीत दा कॉल आया सी, उन्हें मेरे ना कोई जरूरी गल करनी है। रणबीर ध्यान नाल। या आई विल। यस, इधर ही केड़ी गल है जो तू घर के अंदर नहीं कर सकती? रणबीर जी इतने नहीं, तुम्हें मेरे नाल चलना पड़ेगा। चलो तुसी। चलना पड़ेगा पर कितने? रीत रणवीर की होया पुत्र? मम्मी जी हुण मौका मिले है, तुसी रणवीर जी नूं सारा कुछ दस दो। की दस देवां मैं? मम्मी जी वो सारा कुछ जो तुसी मैनूं दस्या सी उस रात बारे, जदों पापा जी सानूं छड्ड के गए सी। मम्मी जी तुसी इन्हां उत्ते भरोसा कर सकते हो? देखो दसन नूं मैं आप ही इन्हां नूं दस सकती सी, पर इन्हां नूं ना मेरे गल उत्ते यकीन नहीं होना सी, इस करके मैं इन्हां नूं इत्थे लेके आई हाँ। मैनूं पता इन्हां नूं ना तुहाडी गल उत्ते जरूर यकीन हो जाना। जे तू कहनी आ पुत्तर तो मैं दस दिनी हूँ।
देखो रणबीर जी, ए वही घड़ी है ना जेड़ी तुहानू फुफड़ जी ने दित्ती सी। ते एदां दी घड़ी एक जैवी चाचा जी दे कोल भी है ते एक तुहाडे पापा जी दे कोल भी। या एग्जैक्टली पर अज मैनूं एक बंदा मिलिया उन्हें भी ना इधर नाल दी कड़ी पाई हुई सी, उन्हें बॉबी नू कुटिया ते उधे भी रगड़ा लगी हुई सी। ते फिर मैं वो कड़ी देखी ते उदां दा ही हाथ में आज तुहाडे घर विच भी देखिया। जी के कोल तो हूँ कड़ी है नहीं ते चाचा जी अब्रॉड गए ने देन हू नोरित, मेरे पापा इधर कुछ नहीं कर सकते। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो तू मेनू इतने क्यों लेके आई है? इन्हें सारा झूठ मेनू के बोल रही है। रीत, तू ना बहुत क्लेवर, बहुत ज्यादा। तू अपनी मॉम तक नू इसदे विच इंक्लूड कर लिया जस्ट टू प्रूव कि मेरे पापा कातिल थे। नहीं रणवीर जी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैनू तुहाडे पापा जी उत्ते कोई शक नहीं है। नहीं है फिर तू सारी गल सारा झूठ मैनू क्यों बोल रही है? ताकि तुसी पता कर सको कि इहदे नाल दी होर कड़ियां किन्नियां है ते किन्नी खरीदी है। मैनू यकीन है कि इस सब दे पिछे कोई होर है। ओके बस चोरी ये मैनू दस रही है कि इनू पापा उत्ते कोई शक नहीं, अपने कोलों एक होर वॉच की स्टोरी क्रिएट करके मेरे माइंड विच पा रही है सो दैट मैं अपने फादर उत्ते शक करना शुरू कर दा। सो क्लेवर। कोई नहीं मैं पता करूंगा। शुक्रिया रणवीर जी, मैनू लग्या सी मैं तो ये गल समझा भी नहीं होनी है कि मैनू सच्ची तुहाडे पापा जी उत्ते शक नहीं है। मैनू यकीन है सब दे पिछे कोई हो रही है। शनैव वाज राइट, एक होर नवा ड्रामा कर रही है हुन रीत। पुत्र मैनू एक गल दस, तू रणवीर नू ये सब कुछ क्यों दसन नू क्या? ते हुण तू अपने सहुरे घर वापस नहीं जाएंगी? बस मम्मी जी, उस घर विच ना इन्ना कचहरी घटना सी, मैं साडा तलाक होने वाला है। ते हुण उस घर विच मैं कदे वापस नहीं जा सकदा। ते ना ही हुण उत्थे रहण वाले किसी भी बंदे नाल मेरी हुण गल होनी है। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं रणबीर जी नूं सीधा सीधा ही पूछ लवां
नफरत तो मैनू करते ही नहीं। गलता मैं हुण उन्हां लई है ना मम्मी जी, झूठी तो वो समझते ही नहीं, नाले मैनू प्यार भी नहीं करते ना वो तो। फिर मम्मी जी मैनू कादा डर उन्हां दी नाराजगी ना, मेरा थोड़ा ना कुछ गवाच जाना है।